ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख वृद्धि का क्या कारण है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी ग्रीन हाउस गैस विच प्राइमरी कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग राइट आंसर होगा सी ग्रीन हाउस गैसेज अगर विच इज कंसिडर्ड ए मेजर कंट्रीब्यूशन टू एसिड रेन किस गैस को अम्लीय वर्षा में प्रमुख योगदान करता माना जाता है राइट आंसर होगा डी सल्फर डाइऑक्साइड डी होगा सल्फर डाइऑक्साइड व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ वाटर इज फ्रेश वाटर का कितना प्रतिशत कौन सा गैर नवीनीकरण संसाधन नहीं है नहीं ओके सर ओके गैर नवीनीकरण संसाधन है राइट आंसर होगा सी कोल कोयला वाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ओशियन पॉल्यूशन महासागर प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत क्या है राइट आंसर होगा ए

जैव विविधता का अर्थ क्या है? राइट आंसर उपयुक्त सभी इन सभी इनमें इनमें से 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 हो जाएगा. निम्नलिखित में से, से कौन सा प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है राइट आंसर तो इसका ए हो जाएगा कार्बन मोनोक्साइड क्या होगा सर कार्बन मोनॉक्साइड साथियों अभी तक इसका पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड जरूर कर लेना कहाँ से सर डाउनलोड करेंगे तो

इज द मेन कंपोनेंट ऑफ स्मोक धुंध का मुख्य घटक क्या राइट आंसर इसका सी हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड सी हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड वट इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया ऑन अर्थ पृथ्वी पर ताजे पानी का सबसे बड़ा स्रोत क्या राइट राइटर सी हो जाएगा ग्लेशियर सी हो जाएगा ग्लेशियर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आ सकता है आपके एग्जाम में विच गैस इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट राइट आंसर मीथेन हो जाएगा uh, किस गैस के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से जिम्मेदार है राइट आंसर ये हो जाएगा मीथेन साथियों लाइक like नहीं किया तो लाइक like कर देना ठीक है चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्री में क्वेश्चन बताने वाले हैं और वायरल क्वेश्चन भी आएगा सत्तर का सत्तर छप जाएगा आपके एग्जाम में सुन नहीं रहे हो सर तुम सुन नहीं रहे हो और वो सत्तर का सत्तर एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन का फोटो आपको मिलेगा व्हाट्सएप चैनल पर तो ज्वाइन नहीं किए तो सर ज्वाइन कर लो डिस्क्रिप्शन चेक करो वहाँ पर टेलीग्राम चैनल भी है और व्हाट्सएप चैनल भी दोनों को दोनों जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ सर विनती रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे ज्वाइन जरूर कर लेना नहीं करना है तो उसमें आपकी

प्रमुख परिणाम क्या राइट आंसर बी हो जाएगा सॉइल इरोशन बी हो जाएगा मिट्टी का कटाव व्हाट टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज कॉज बाय एक्सेसिव नॉइज अत्यधिक शोर से किस प्रकार का प्रदूषण होता है ध्वनि प्रदूषण नॉइज पॉल्यूशन होता है विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रे कौन सा वायुमंडल की परत हमें हानिकारक यूवी किरणों से बचाती है राइट आंसर इसमें होगा बी स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल

होगा, पर क्या प्रभाव पड़ता है घटना को बढ़ाती आवर्ती विच इज ए मेथ रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन वायु प्रदूषण को कम करने का कौन सा तरीका राइटन सो का बी यूजिंग पॉल्यूशन ट्रांसपोर्ट सार्वजनिक उपयोग करना

कंपोस्टिंग इसमें बी होगा खाद बनाना सर लाइक नहीं होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा इसमें कुछ आपका नहीं जाएगा सर मोटिवेशन मिलता है लाइक आप लोग करके ही जाइएगा क्लास करके जाइएगा वेन ऑफ क्योटा प्रोटोकॉल का मुख्य होगा बी टू ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक समुद्री प्रदूषण का एक आ, प्रमुख स्रोत क्या है होगा बी इंडस्ट्रियल रन ऑफ बी होगा औद्योगिक बहाव क्या प्रभाव पड़ता है विंड एनर्जी पवन ऊर्जा का मुख्य लाभ क्या है ऑप्शन दिया आपके सामने राइट आंसर होगा बी इट इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स क्या इसका यह एक नवीनीकरणीय संसाधन है वट इज द प्राइमरी फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन में योगदान देने वाले प्राथमिक कारण क्या है इसका राइट आंसर होगा फटाफट से बताना है राइट आंसर होगा होगा बी human, uh, activity, बी ह्यूमन एक्टिविटी मानव गतिविधियां व्हाट इज द ग्लोबल गोल ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन राइट आंसर होगा बी टूरेज अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इशू पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है राइट आंसर होगा बी होगा पर्यावरणीय मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाना विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू सॉइल से कौन से मिट्टी की उर्वरता में करती ऑर्गेनिक होगा जैविक सामग्री मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ कंजर्वेशन वन जीव संरक्षण का, क्या। का बी, species, लुप्त प्राया, रक्षा करना द प्राइमरी कॉज ऑफ ओशियन एसिडिकेशन महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या आंसर होगा का बी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण

व्हाट इज ए कॉमन रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इकोसिस्टम सिस्टम पारिस्थितिकी प्रणालियों पर जलवायु परिवर्तन का एक सामान्य परिणाम क्या है डिस्ट्रीब्यूशन प्रजातियों के वितरण में परिवर्तन बिना आर्थिक विकास वेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट इकोसिस्टम अधिकांश पारिस्थितिक प्रणालियों के लिए मुख्य ऊर्जा क्या राइटर्स होगा हो इसका बी सनलाइट बी होगा सूर्य की रोशनी

पर्याय परियोजना के पर्यावरण पर प्रभाव का आरोपन करना सर इसका पीडियो मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अगर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना और वायरल क्वेश्चन आने वाला है उसका फोटो आपको मिलेगा हमारे व्हाट्सअप चैनल पर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो फॉलो कर लेना व्हाट्सएप चैनल को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ व्हाट्सएप चैनल का देखिए आगे बढ़े लाइक नहीं किए तो सर लाइक जरूर कीजिएगा आपको ना भाई समझ के जरूर लाइक कर दीजिएगा ठीक है थोड़ा सा मोटिवेट हमें भी कीजिए सर

स्वच्छ वायु अधिनियम का उद्देश्य क्या है राइट आंसर होगा ए रिड्यूस एयर पॉल्यूशन वायु प्रदूषण को कम करना वट इज द टर्म ऑफ एन एरिया वेयर स्पाइसिस पार्टिकुलरली पार्टिकुलरलीबल टू एक्सटेंशन उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहाँ पर जाते हैं विशेष रूप से लुप्त होने के लिए संवेदनशील होती है राइट आंसर होगा ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जैव विविधता हॉटस्पॉट वट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कॉम्बेट क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन में लड़ने से पहले सबसे प्रभावी तरीका क्या राइट आंसर होगा ए प्लांटिंग ट्री पेड़ लगाना वट इज द मेन कॉज ऑफ अर्बन स्प्रेल शहरी विस्तार का मुख्य कारण क्या राइट आंसर होगा ए पॉपुलेशन ग्रोथ जन संख्या वृद्धि वट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मफुल इन्वेशन स्पेसिस एक हानिकारक आक्रमण प्रजाति को दान क्या राइट आंसर होगा बी अमेरिकन बुल फ्रॉग अमेरिकी बुल फ्रॉग वट इज द प्राइमरी गोल ऑफ रिफॉरेस्टेशन राइट आंसर होगा इसका बी टू